हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर बायो क्लास तो बच्चों आज हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट फोर्थ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उसके कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली हमारे फाइव चैप्टर्स इंक्लूड होंगे चैप्टर uh, इलेवेंथ है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स रिस्पायरेशन इन प्लांट्स प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम्स uh, में नीट में भी uh, काफ़ी क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इसकी हम बात करेंगे इस यूनिट में बच्चों बेसिकली हम ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन है प्लांट्स की ओवरऑल uh, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो डिस्क्रिप्शन उनका स्ट्रक्चर का वेरिएशंस है और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं बच्चों इनके अंदर जैसे बहुत सारी प्रोसेसेस लाइक मिनरल मिनरल न्यूट्रिशन है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट रेस्पाइरेशन ग्रोथ डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें बच्चों हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पर एक हमारे साइंटिस्ट हैं मेलविन कैलविन इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन्होंने बच्चों नोबल प्राइज़ भी इनको मिला था 1961 ने कार्बन एसिमिलेशन की का जो रोल है फोटोसिंथेसिस में वो इन्होंने एक्सप्लेन किया था साथ में इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोपोज की थी प्लांट्स दैट प्लांट्स चेंज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन्होंने बताया था कि जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करते हैं कन्वर्ट करते हैं बाई ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड अरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी अभी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जो हमारा चैप्टर है उसमें भी रेस्पायरेशन वाले में भी तो ये सारी प्रोसेस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे तो बच्चों आज हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स की इसके अंदर बच्चों बेसिकली हमारे जो ये चैप्टर है इसके अंदर हमारे जो टोटल सिक्स टॉपिक्स इंक्लूड होंगे जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लांट वाटर रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देन ट्रांसपीटेशन कैसे होता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिय एंड फ्लाय फ्लोय ट्रांसपोर्ट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक ये टॉपिक्स बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं तो बेसिकली देखो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स यानी कि हमें जानना है कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है चाहे वाटर है मिनरल्स है फूड है इन सारी चीज़ों का हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ना है तो बेसिकली हम यहाँ पर डिफ्यूज़न है ऑस्मोसिस ये सारी प्रोसेस भी पढ़ेंगे लेकिन देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे पहले भी वट ऑफ मूवमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे पहले हम किस तरह के मूवमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ और हमें ये भी जानना है कि किस तरह के सबस्टांसिस का जो मूवमेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं तो बच्चों अगर हम फ्लावरिंग प्लांट में बात करते हैं तो बेसिकली उनके अंदर जो वाटर है मिनरल्स है मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनके ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं और अगर स्मॉल डिस्टेंसिस पर हम सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि जहाँ एनर्जी का यूज़ होगा ये हम आगे ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ हम एक थोड़ा सा रफ रिविज़न हम यहाँ कह सकते हैं रफली एक बार हम रीड आउट कर रहे हैं तो यानी कि स्मॉल डिस्टेंसिस पर अगर ओवरऑल हम बात करें तो डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट हो जाएगा लेकिन लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसिस प्रोसीड्स थ्रू द वैसक्युलर सिस्टम वेस्क्युलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोयम अगर लॉन्गर डिस्टेंसेज पर ट्रांसपोर्ट की बात होती है जाइलम एंड फ्लोयम के थ्रू तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन उसे हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन रूटेड प्लांट्स में बच्चों जो ट्रांसपोर्ट है जाइलम के अंदर जाइलम uh, के थ्रू वो वाटर uh, मिनरल्स का होता है यूनिट डायरेक्शनल वो रहेगा ये आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा था कि जाइलम वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो ये ध्यान रखना जाइलम हमेशा यूनिट डायरेक्शनल यानि कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूवमेंट करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स अंडर को मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो ये मल्टीडायरेक्शनल कैसे हुआ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो फोटोसिंथेटिक लीव्स के अंदर वहाँ पर उनकी सिंथेसिस होगी यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड वहाँ पर प्रिपेयर होगा और जो भी फूड है बच्चों वो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा वो होगा हमारा फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट तो उसका जो मूवमेंट रहता है बच्चों वो हमारा रहता है मल्टी डायरेक्शनल वो मूवमेंट रहेगा मल्टी डायरेक्शनल तो इस तरीके से बच्चों ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे वेन एनी प्लांट अंडरगोस सैनिसेंस न्यूट्रिय में बी विद्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स देखो सैनिसेंस यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी सैनिसेंस फेज में वो जाते हैं ये हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ा था तो जब भी इस फेज़ में जाएंगे यानी कि वहाँ पर ग्रोथ है वो बंद हो जाएगी तो उस टाइम पर जो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ से निकल कर इस तरह के रीजन से वो ग्रोइंग पार्ट्स में चले जाएंगे क्योंकि ग्रोइंग पार्ट्स में कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ हो रही है और वहाँ पर कॉन्टीन्यूअसली जो मिनरल्स हैं आयन्स उनकी ज़रूरत वहाँ पर रहती है तो इसलिए तो फ्लावरिंग प्लांट में बच्चों काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक ऑफ कंपाउंड्स रहता है हम कह सकते हैं कि लेकिन एक ऑर्डरली मैनर में रहता है अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट रहती हैं हर एक ऑर्गन रिसीव करता है कुछ सब्सटेंसेस को और कुछ अदर्स एंड गिविंग आउट सम अदर्स और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस वो वहाँ से गिव आउट भी करता है रिलीज भी करता है तो इस तरीके से हम सबसे पहले बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तो सबसे पहला रहता है हमारा डिफ्यूजन डिफ्यूज़न के थ्रू बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट रहता है देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती तो ये अलोंग द कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं यानी कि uh, जिस डायरेक्शन में कंसन्ट्रेशन की मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में ओके okay, तो सेल uh, के जो वन पार्ट टू वन अदर फ्रॉम सेल टू सेल जो मूवमेंट रहती है ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज वो किससे रहेगी डिफ्यूजन से रहेगी रहे uh, या हम कह सकते हैं इंटरसेलर स्पेसिस हैं जो लीफ <coughs> के टू द आउटसाइड उसमें भी डिफ्यूजन के थ्रू कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं रहता है डिफ्यूज़न में रैंडम फैशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के वो मूवमेंट करते हैं रैंडम फैशन जिसे हम कहेंगे और हमेशा इनमें मूवमेंट होता है फ्रॉम हाइयर कंसन्ट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसन्ट्रेशन नॉट करना डिफ्यूज़न में मूवमेंट रहता है ऑलवेज फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाइयर कंसन्ट्रेशन टू लोअर कंसन्ट्रेशन काफ़ी स्लो प्रोसेस डिफ्यूज़न की रहती है लेकिन ये कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती टोटली लिविंग सिस्टम पर डिफ़्यूज़न गैसेस में भी हो सकता है लिक्विड्स में भी हो सकता है यानी कि ऐसा नहीं है कि डिफ्यूज़न लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगा लिविंग सिस्टम में ही जैसे मान लो हम बात करें बच्चों जो परफ्यूम है या जो हम अगरबत्ती है जो भी अगर हम एक जगह उनको अगरबत्ती को हमने एक जगह जला दिया है तो पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाती है या परफ्यूम हमने एक जगह पर यूज़ किया है तो उसकी जो स्मेल है वो फैलती है वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही ठीक है हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो मूवमेंट है या जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं तो डिफ्यूज़न हमारा लिविंग सिस्टम पर ही डिपेंडेंट नहीं है डिफ्यूज़न गैसेज लिक्विड्स इवन सॉलिड्स में भी सॉल भी देखने को ये मिलता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट्स के लिए और सिर्फ यही एक तरीका है गैशियस मूवमेंट का विद इन द प्लांट बॉडी प्लांट uh, बॉडी के अंदर गैशेस मूवमेंट का डिफ्यूज़न रेट बच्चों अफेक्ट होता है बाय द ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का जो ग्रेडियंट है उससे भी अफेक्ट होता है साथ में जो परमेबिलिटी रहती है मेम्ब्रेन की सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन की उससे भी अफेक्ट होता है टेम्परेचर और प्रेशर से भी जो डिफ्यूज़न है काफ़ी अफेक्ट होता है आगे अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बच्चों तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न देखो जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक ग्रेडियंट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट फॉर डिफ्यूज़न टू अकर कि ग्रेडियंट तो ज़रूर प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रेट भी डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन तो की प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाती है तो अगर हम बच्चों बात करें कि, कि किसी भी एक मैमब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन है जो सब्सटांसिस का हो रहा है वो डिपेंड करता है साथ में लिपिड्स की सोलिबिलिटी पर भी मेजर है मैमब्रेन के Uh, जो सब्स्टांसिज सब्सटांसिज सोल्यूबल इन लिपिड डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन फास्टर यानी कि ऐसे सब्सटांसिज जो लिपिड्स में इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे वो फास्टली वहाँ पर मूवमेंट करेंगे सबस्टांसिज दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोयटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन जैसे uh, जिनके अंदर भी हाइड्रोफिलिक मोयटी है जैसे हमने हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक अभी सेल मेम्ब्रेन का जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना तो ऐसे सब्सटेंसेस ये पूरा जो कंसेप्ट है हमने डिस्कस ही किया था इनफैक्ट वहाँ पर कि मैमब्रेन के अंदर से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो जिनमें हाइड्रोफिलिक प्वाइटी प्रेजेंट होगी उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है अदर जो सब्सटांसिज उनके कंपेयर में मूवमेंट करने में देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड तो ऐसे सब्सटांसिस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने की यानी कि उनके मूवमेंट को थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो मैमब्रेन प्रोटीन ऐसे साइट्स पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं जहाँ पर इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर जो फैसिलिटेशन कम है वो क्रॉस करते हैं तो दे डू नॉट सेटअप ए कंसनट्रेशन ग्रेडियंट एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर नहीं सेटअप होगा तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है वो हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़ करने के लिए यहाँ तक कि इवन इफ फैसिलिटेटेड बाय द प्रोटीन्स चाहे वहाँ पर प्रोटीन्स के थ्रू भी फैसिलिटेशन क्यों ना हो रहा हो तो इस प्रोसेस को ये बच्चों हम क्या कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे ओवरऑल अगर हम समझें कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर जो लिपिड्स में इजिली डिफ्यूज नहीं हो सकते जिनके अंदर हाइड्रोफिलिक मोटिव प्रेजेंट है तो उनको थोड़ा डिफिकल्टी रहती है मैमब्रेन के थ्रू पास आउट होने में तो ऐसे जो मोलिक्यूल्स को पास करने के लिए हम प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं प्रोटीन्स के थ्रू उनका जो डिफ्यूजन है उसे फैसिलिटेट किया जाता है और उन्हें ही बच्चों हम क्या बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उन्हें कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बच्चों स्पेशल प्रोटीन्स हैं वो हेल्प करते हैं सब्सटांसिस की मूवमेंट करने में अक्रॉस द मैम्रेन बिना किसी ए टीपी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन नॉट कॉज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कभी भी वहाँ पर एग्जैक्ट नेट ट्रांसपोर्ट नहीं होता मॉलिक्यूल्स का लो टू हायर कंसंट्रेशन क्योंकि लो टू अगर हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है तो वो जो ध्यान रखना मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया था वहाँ पर एनर्जी के इनपुट की, की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर एनर्जी है उसकी उसका एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर नेट जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होगा ट्रांसपोर्ट रेट बच्चों एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है जब वेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बींग यूज जब सभी प्रोटीन्स को एज अ ट्रांसपोर्टर हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में बच्चों जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है काफ़ी स्पेसिफिक रहता है ये इट अलाउ सेल टू सेलेक्ट सब्सटांसिस फॉर अपटेक यानी कि स्पेसिफिक यानी कि सभी सब्सटांसिस का अपटेक नहीं सभी सब्सटांसिस को ट्रांसपोर्ट नहीं करते कुछ सब्सटांसिस को सेलेक्ट किया जाता है टू अपटेक एंड रिलीज और साथ में ये काफ़ी सेंसिटिव uh, भी रहता है इनिबीटर्स के लिए जो रिएक्ट करते हैं विद प्रोटीन साइड चेंज देखो यहाँ पर डायग्राम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ये आउटर साइड ऑफ सेल है ये इनर साइड ऑफ सेल है ये मैमब्रेन है ये यहाँ से हमारे हमने क्या यूज़ किए हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, है यहाँ से पिक करेंगे सब को और इधर ये इस तरीके से रिलीज कर रहे हैं ठीक है ये ट्रांसपोर्टेड मोलिक्यूल्स हैं ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो क्या कर रहे हैं मोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो बच्चों अगर हम बात करें प्रोटीन है काफ़ी चैनल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं मेम्ब्रेन के अंदर जब वो मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं ये चैनल्स बच्चों हमेशा ओपन रहते हैं और कंट्रोल्ड मैनर में ये काम करते हैं कंट्रोल्ड भी हैं कुछ सम आर लार्ज अलाउिंग वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस यानी कि कुछ जो चैनल्स हैं काफ़ी लार्ज साइज उनका रहता है ये काफ़ी सारे मोलिक्यूल्स की वरायटी को अलाउ अथॉरिटी देते हैं पास करने के लिए द पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पॉर्स इन द आउटर मैमब्रेन्स ये इम्पोर्टेंट है पोरिन्स प्रोटीन्स होते हैं जो काफ़ी सारे ह्यूज़ पॉर्स यानी कि ह्यूज पॉर्स मतलब काफ़ी सारी मात्रा में जो पोर्स है बना देते हैं आउटर मैम्ब्रेन में आउटर मैम्ब्रेन में लाइक like प्लास्टिक्स के अंदर माइटोकोंड्रिया के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर जिससे अलाइन मॉलिक्यूल्स अब टू साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रो जिसमें स्मॉल साइज का जो मॉलिक्यूल है उनको भी वो अथॉरिटी देती हैं पास वहाँ से करने की अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हम बात करें तो वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन ये एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एक रीड आउट कर लेना है इंपॉर्टेंट है आगे बच्चों ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट देखो कुछ कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ अलाउ डिफ्यूज़न अगर दो मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ मूवमेंट करेंगे तो उन्हें वो अथॉरिटी देते हैं तो यहाँ पर हम वही चीज़ें पढ़ेंगे कि दो मॉलिक्यूल्स अगर सेम टाइम पर डिफ्यूज़न करें तो सिम्पोर्ट में बच्चों क्या होगा हम सिम्पोर्ट को यहाँ डिस्कस करेंगे एंटीपोर्ट को और एक यूनिपोर्ट को सिम्पोर्ट में तो क्या होगा दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे यहाँ आप समझें एक बार इस डायग्राम के थ्रू ये हमारा कैरियर प्रोटीन है ठीक है सिमपोर्ट में क्या है दो मोलिक्यूल्स हैं ए एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं एंटीपोर्ट में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और यूनिपोर्ट में एक ही मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में हमारा क्या करेगा मूवमेंट करेगा ठीक है तो ये आपने एक बार पढ़ लेना है बच्चों सिम पॉर्ट हमारा यहाँ पर एंटीपॉर्ट उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट वो ये है कि यहाँ पर एनर्जी को यूज़ किया जाएगा टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई फ्लो कर रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स तो उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अगर अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाना है तो वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जहाँ पड़ती है मोलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए अगेंस्ट अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट तो उसे हम कहेंगे बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू ही होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट पम्प्स आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटांसिसक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पम्प्स यहाँ पर प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सब्सटांसेज हैं उनकी मूवमेंट करवाते हैं दीज पम्प्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटांसेज फ्रॉम अ लो कंसनट्रेशन टू अयर कंसनट्रेशन यानी कि जब लो कंसनट्रेशन से हाइयर कंसन्ट्रेशन पर मूवमेंट हमें करवाना है आप हिल ट्रांसपोर्ट भी से कहा जाता है तो उस टाइम पर जो पम्प प्रोटीन्स हैं ये काफ़ी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट रेट है जो इसमें काफ़ी मैक्सिमम रहता है जब सभी के सभी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जा रहा

सिंपल डिफ्यूज़न फैसिलिटेडिड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनका कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पर स्पेशल मैम्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत सिंपल डिफ्यूज़न में नहीं होती है फैसिलिटेटिड ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट नहीं है अगेंस्ट है तो यहाँ पर नेट ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं होता इसमें मैक्सिमम लेवल रहता है जो हमने अभी डिस्कस किया इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता हाईली सेलेक्टिव सिंपल डिफ्यूज़न नहीं है इसमें कोई भी हाईली सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है ट्रांसपोर्ट सेचूरेट नहीं होता सिंपल डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी बच्चों होगा आप ट्रांसपोर्ट हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही ये प्रेजेंट है और फैसिलिटेटेड में और सिंपल डिफ्यूजन में प्रेजेंट नहीं है ए एनर्जी की ज़रूरत भी हमने जस्ट अभी अभी डिस्कस किया कि सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में ए की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहती और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ए को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बच्चों यहाँ तक आपने पढ़ लेना है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कल हम प्लांट वाटर रिलेशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो यहाँ तक तो कोई भी डाउट हो आप बता देना उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ ही इसको अच्छे से रीड आउट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना टिक मार्क करते रहना अपनी बुक के अंदर ही ओके तो यहाँ तक तो कोई डाउट है बता देना उसे हम कल के वीडियो के साथ ही डिस्कस कर लेंगे